गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। रमन सुबह सुबह काम पे लग गए हो? जी हाँ मैडम, दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट काम। ये सब क्या है? हमारी प्रेग्नेंट बेबी की डूज एंड डोंट्स की लिस्ट। वाह। वैसे तुम ठीक से सोई? और बेबी? बहुत अच्छे से। अब ध्यान से देखो, ये तुम्हारे डूज एंड डोंट्स की लिस्ट डॉक्टर मनोज से पूछ के बनाई, एंड हर दिन when you follow the do's and don'ts tick mark करूंगा। जैसे देखो ये 2 दिन है, तो आने वाले हर दिन में जब बेबी और मम्मी दोनों ठीक होंगे मैं यहाँ टिक मार्क करूंगा, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए और ये बेबी अच्छी तरह डिलीवर हो जाए। कितना एलैबोरेट काम किया आपने। करना तो पड़ेगा, आखिर एलैबोरेट प्रोसीजर भी था। चलो आ जाओ, तुम रेडी होके आ जाओ, मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहा हूं। क्या ब्रेकफास्ट तुम्हारे कपड़े रख दिए, गीजर ऑन है, प्लीज ठंडे पानी से मत नहाना। लेकिन आप ऑफिस नहीं जाना है? नहीं, आज मैं घर से काम करूंगा, तुम जाओ रेडी हो जाओ। रोमी, तेरी खबर पक्की है ना? हाँ मम्मी जी, मैंने इंटरनेट पे खुद पढ़ा है, बेबी वायरस नाम की बीमारी नहीं होती। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग। स्पून स्पून स्पून, 1 मिनट। रमन ये मीठा वाला है क्या? हाँ। मैं चिप्स खाऊंगी, मीठा वाला नहीं। चिप्स भी है, नीरू भाभी को चिप्स दे। नहीं, वो फ्राइड वाले नहीं, बेक वाले, ओवन से निकाल, हेल्दी होते हैं। ओए होए, बड़ा ख्याल रखा जा रहा है बीवी का। आज तक करते होश नहीं होता से किचन दा, आज हर गलता पता है। माँ इसे हेल्थ फूड कहते हैं, इंटरनेट पे पढ़ा है मैंने, और जरूरी होता है सब सेहत के लिए। अरे जान है तो जान है यार, बेबी वायरस में तो खास करके ध्यान रखना पड़ता है औरतों का, है ना? बताओ यार तुमको। अमन, ओवर हो रहा है, कम करो। माँ अपनी बहू को समझाओ यार, सेहत पे ध्यान दे। इसका ध्यान दे रहा हूँ तो पता नहीं क्या नाटक करे जा रही। खाओ यार, ढंग से खाओ, माँ समझाओ। हाँ पुत्र, वायरस हुआ है तुम्हें, बेबी वायरस, समझ जा समझ जा। हेलो, नहीं वो पेपर्स घर पे भेज दो, आज मैं घर पे ही हूँ, यही साइन कर दूंगा। और सारी का पुत्र मैनू जरा समदन के साथ ना अमर कॉलोनी तक जाना है, तो बच्चों को मैं छाड़ देंगे। क्यों भाई शीता? बच्चों को छाड़ के मैं इस शीता के डॉक्टर से मिलती हूँ, जरा पता तो लगावा कि इस बेबी वायरस की असलियत की है। बाला तुमने घर का स्टेटस चेक किया क्या? और कितने दिन लगेंगे रीडेवलपमेंट में? मैं साइट पर गया था लेकिन बिल्डर से मुलाकात नहीं हो पाई, और जिस स्पीड में काम चल रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन में कंप्लीट हो जाएगा। कहाँ जा रही हो? बैठो ना थोड़ी देर। अरे शबू भी घर पे नहीं है, क्षितिजा भी सो रही है, बात करते हैं ना थोड़ी देर। ये तो बेस्ट टाइम है बाला, सारे काम मैं अभी कर सकती हूँ। जब से वो बॉर्न हुई है ना, मैं पार्लर ही नहीं गई हूँ। नीचे है पार्लर, मैं फटाफट जाकर आती हूँ। प्लीज हाँ, तुम क्षितिजा को संभाल लेना थोड़ी देर प्लीज। आप चलते चलते चेन्नई जाओगी, क्या कर रही हो? अमन कितना खाया है मैंने, इतना सारा ब्रेकफास्ट, फिर इतने सारे चिप्स, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने वेट पुट ऑन कर लिया होगा अब तक में। मैंने जाके विंग्स के लिए देख रहा हूं। मैं ले आता हूं, तुम बैठो। विंग्स के मैं ले आता हूं ना, यहीं रहो और कुछ काम मत करना। मैं वॉक कर रही हूं बस। मदरसा को अगर पता चल गया ना कि इसका 100 ग्राम भी बढ़ गया तो खाना बंद कर देगी। वेइंग मशीन को एडजस्ट करता हूं ताकि वेट कम ही दिखे इसका। लो चेक करो। श्योर मेरा वेट पुट ऑन हुआ है। ये क्या है? वाओ, मेरा तो पिछले हफ्ते से 1 किलो वजन कम हो गया है। सुपर ना? क्या कहा तुमने? वजन कम हो गया? हाँ। दिस इज नॉट गुड, वजन बढ़ना चाहिए। या अब से ना तुमसे हेल्दी खाना खाओगी और वजन बढ़ाओगी अपना, अपने लिए और बेबी के लिए, दोनों के लिए। आयुर्वेदा के मुताबिक प्रेग्नेंट औरत को देसी घी और कच्चा नारियल खाना चाहिए। खाना खाओगी तो वजन बढ़ेगा, बेबी के लिए अच्छा होता है, हेल्दी बेबी होगा, डिलीवरी टाइम भी होगी। तुम समझ रही हो? क्या क्या कर रही हो? कितने क्यूट हो गए। हेलो, ये छिछोरी हरकत करके टॉपिक में चेंज करो, समझी तुम? अच्छा ठीक है, मैं अपना ख्याल रखूंगी। ओके, हैप्पी कॉफी पियोगे? मैं आता हूँ। अच्छा रमन, मुझे एक बात करनी थी। मैं सोच रही थी कि अम्मा को बताऊं क्या? एक्चुअली आपको पता है ना अम्मा हमेशा से कितनी एक्साइटेड रही हैं कि मेरी शादी टाइम पे हो जाए, शादी हुई तो बेबी हो जाए। आप जानते हो कि अगर मैंने उन्हें बताया तो सबसे ज्यादा खुशी उन्हें होगी। यार तुम्हें क्या लगता है? मैं भी तो खुशी सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, अम्मा के साथ, मम्मी के साथ। लेकिन डॉक्टर मनोज ने एक वजह से कहा ना किसी को नहीं बताने की, एक बार उन्हें तसल्ली वजह बता देंगे सबको। कॉफी आज इतनी खुश है, इधर बाहर मेरा ये स्माइल करना बंद ही नहीं हो रहा है। ओ तू स्माइल करना बंद ना कर यार, इतनी बड़ी खबर है। हंसी तो छलांगे भी मारी ना तावे काम है, स्माइल कर दी रहे, हंसती रहे, मैं तेरा मुंह मीठा करानी हूँ। और देख यार मैंने तेनू की बोला सी कि ये दोनों ना हमसे कुछ छुपा रहे, हुण तो पता लग गया ना की छुपा रहे सी। मुबारक होए, मुबारक। मैं ईशू से बहुत गुस्सा है, उसने हमको कुछ नहीं बोला। यार तूने सुना नहीं डॉक्टर ने की कैसे? डॉक्टर ने कहा था किसी को कुछ नहीं बताना है। खुद रमन को और ऋषिता को मना किया था डॉक्टर ने किसी को बताने से, तो वो तो अभी भी नहीं बताता। अगर मैं उसे डराती धमकाती नहीं और तू उसे जज्बाती ब्लैकमेल ना करती तो। पर यार संदन गाल सुन मुन्ना, सानू बड़ा ध्यान रखना है। तेन पता है ना, तू सुना सी ना कि डॉक्टर ने बोला है कि ए प्रेगनेंसी ना बड़ी रिस्की प्रेगनेंसी है, थोड़ी सी लापरवाही ना बड़ी खतरनाक साबित हो सकती है। उनने ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, ज्यादा कम नहीं करना। उनकी तो आदत है भागते दौड़ती रहती है ना, हमने उसे रोकना है कि उसका पूरा ध्यान रखना है। उन्हें फुल आराम की जरूरत है। सहरी। और उन्हें मतलब संतोषी तुम ब्रेकफास्ट बनाओ उसके लिए, मैं उसके लिए लंच बनाती, और फिर डिनर कभी तुम कभी मैं, तो ईशू को डिफरेंट टाइप का खाना मिलेगा। अम्मा अच्छा मैं आ जाओ। अम्मा बैठी प्लीज। थैंक यू वॉचमैन, दरवाजा बंद कर देना प्लीज। अम्मा आप ये इतने सारे बैग्स किस लिए? अरे मैं लंदन जा रही हूँ। अम्मा लंदन पर अब तो हम है ना यहाँ पे, और क्षितिजा भी है। क्षितिजा के नामकरण के लिए तो रुकी थी, नहीं तो कब की चली जाती। क्या है वहाँ से सुब्बू का बार फोन आ रहा है, अम्मा आ जाओ। अकेला है, जाना चाहिए ना, इसीलिए जा रही हूँ। लेकिन बाला मुझे लगता है बैग का वेट ज्यादा हो गया है, और अगर ज्यादा वेट होगा तो एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे बैगेज के, है ना? अम्मा सबसे पहले मैं आपके बैग्स का वेट कर लेता हूँ। ये बिल्कुल ठीक है ना? हाँ ठीक है, सुबह ही भाभी ने इससे वजन किया था, ठीक ही होगी। थैंक यू। माँ ये तो टोटल वेट मिलाकर 15 केजी बन रहा है, जो कि अलाउड वेट अलाउंस से 5 किलो कम है। ओह मतलब एक्स्ट्रा सामान ले सकते हो। हाँ। बाला एक काम कर, तू है ना मार्केट जा और कुछ स्वीट्स लेके आ। तुम्हें तो पता है सुबू को स्वीट्स कितना पसंद है, और वो भी दिल्ली का अपना फेमस डोडा लेके आना, और उसको बोलना फ्रेश और अच्छा देना, और पैकिंग भी अच्छा करना, क्योंकि लंदन लेके जाना है। ठीक है अम्मा, फिर आप एक काम करना, आप क्षितिजा के पास जाके बैठ जाओ, अभी थोड़ी देर में बंदू ऊपर आ जाएगी। हाँ इसकी चिंता तुम मत कर, मैं देखती हूँ। ये मैं बैग्स को इधर रख देता हूँ, और ये वेइंग मशीन को। यार लगे हाथ मैं भी अपना वेट चेक कर लेता हूँ, तो आजकल थोड़ा सा फीलिंग लिटिल। मेरा वेट 1 किलो कम कैसे हो गया? इसलिए मैं सोचूं कि मैं क्यों इतना फिटिक्ड और स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहा हूं। माय गुडनेस, लेकिन मेरा वेट कम कैसे हो गया? बाला, फंदू के पास तो टाइम है नहीं तुम्हारी टेक केयर करने का। अब तो तुम्हें अपना ध्यान बेटा खुद ही रखना पड़ेगा।